अंतरराष्ट्रीय पर्यटक स्थल गया शहर में इन दिनों जाम की समस्या लगातार उत्पन्न हो रही है और यातायात पुलिस जवान जाम से छुटकारा दिलाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। एक तरफ सड़क सुरक्षा का सत्र चल रहा है तो दूसरी तरफ शहर में पूरी तरह जाम से लोग परेशान हैं। तो नगर यातायात पुलिस अधीक्षक ने कहा कि गाड़ी की संख्या बहुत ही बढ़ चुकी है। दूसरी ओर बुड़को द्वारा सड़क को भी तोड़ दिया गया, सड़कों में अतिक्रमण हो चुका है जिससे गया शहर में जाम की समस्या देखने को मिल रही है। बढ़ रही है और रोड हमारा वही है जो 50 साल पहले था, उसी रोड में को भी अब लोगों ने जगह जगह दुकानदार ने इंक्रोचमेंट कर लिया है और जिससे जाम की समस्या हो रही है। लेकिन हमारी पुलिस जो है ट्रैफिक लगातार काम कर रही है, लोगों को इंक्रोचमेंट को भी दूर कर रही है, आवागमन भी वन वे जहाँ वन वे है वहाँ वन वे कर रही है और लगातार आवागमन चल रही है। और कभी भी आप देखिएगा गया में भयंकर जाम नहीं होने पाते हैं, भले रफ्तार धीमी हो जाते हैं, जिस समय स्कूल टूटते हैं स्कूल में छुट्टी होती है उस समय रफ्तार धीमी होता है लेकिन जाम नहीं होने देते हैं, आवागमन चलते रहते हैं। अभी क्या है कि बुड़को के द्वारा गंगा परियोजना चल रहा है जिस वजह से हर जगह वो लोग पाइप बिछा रहे हैं तो इससे आवागमन में व्यवधान पैदा हो रहे हैं, लेकिन वो लोग भी काम हो रहे हैं वो भी जरूरी है। सर बड़ा बड़ा बस और बस के लिए पार्किंग वहीं पर बनाया गया है जहाँ पर विष्णुपद मंदिर है उसी के जस्ट बगल में पार्किंग डालती है तो वहाँ भी कुछ गाड़ी लगाते हैं और हमारे पुलिस प्रयास करते हैं कि उधर गाड़ी नहीं लगावे, वो लोग केंद्रीय सूर्य मंदिर में गाड़ी लगावे, कुछ गाड़ियाँ केंद्रीय सूर्य मंदिर में भी लगते हैं। तो फिर वर्जित है जो यात्रियों को हम लोग कष्ट नहीं दे सकते हैं, यात्री चूँकि दूसरे दूसरे राज्य से आते हैं उनको उतना पता नहीं है कि कहाँ क्या करना है तो यात्रियों के लिए हम लोग ज़्यादा करा वहाँ नहीं रोक सकते उनकी गाड़ी चूँकि उसमें उनका सारा सामान रहता है। और पार्किंग का व्यवस्था हमारा विष्णुपद मंदिर के बगल में बना हुआ है बहुत पहले से, 11/1/23 से 17/1/23 तक मनाया जा रहा है। इसमें हम लोग तरह तरह के कार्यक्रम का आयोजन किए हैं, इसमें मुख्य रूप से वैसे लोग जो कि हेलमेट पहन के नहीं चल रहे हैं उनके लिए पूरा जिला में वाहन चेकिंग चल रहा है हर थाने में, और जो हेलमेट पहन के चल रहे हैं उन्हें हम लोग गुलाब का फूल दे करके उनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा, संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602888599 पर।